ये हम एंड पॉइंट पे इसको जमा करवा रहे हैं। बस इस जगह से हम यात्रा की शुरुआत करते हैं, उसी जगह पे ही इस कार्ड को हमें यहाँ पे दे देना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और माता रानी भैरव बाबा के अच्छे से दर्शन होने के बाद है ना, रिटर्न ट्रैक चालू हो गया है। रात में अब वापसी करेंगे और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा अंधेरा आ गया होगा इसमें, नाइट ट्रैक माता रानी का ये आ गए अपन। जय माता दी, नाइट ट्रैक दिखाते हैं। अभी वापसी के लिए सब लोग चल पड़े हैं। जोर से बोलो, सारे बोलो, बोल जय माता, जोर से जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहाँ पे आराम से नहीं तेजी से, क्योंकि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है। और अभी भी क्या हो रहा है ना, रोशनी ट्रैक पे अच्छी खासी है, ये स्लोप चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जितने जा रहे हैं ना उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। अभी भी काफी मस्त माहौल है, अभी भी मौसम इतना बढ़िया है ना, गजब का बहुत बढ़िया मौसम है कहने का मतलब। और ये अभी ट्रैक का हाल है, चलिए दिखाते हैं आपको जल्दी कुछ नया। जय माता दी, पूरे ट्रैक पे आपको ऐसे भोजनालय मिलते ही रहेंगे, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट भी ठीक ठाक हैं, सब मतलब बढ़िया है। और पानी की फैसिलिटी भी अच्छी खासी है, ट्रैक भी बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। एक दो नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं। इस तरह के पानी के ठंडा गर्म सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये रात में ट्रैक का हाल कुछ ऐसा, अभी भी ऐसा ही है, जितने जा रहे हैं ना उससे ज़्यादा वापस आ रहे हैं मतलब मंदिर की तरफ। हम लोग अभी रिटर्न में हैं, भवन से आ गए हम टोटल 3 किलोमीटर नीचे, आते हुए इतना टाइम नहीं लग रहा। और सामने है भोजनालय, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और जाते हुए हमने एक चीज़ कवर नहीं की थी, वो था डोसा पॉइंट। देखते हैं जाके क्या मिलता है, कैसा मिलता है, बहुत सुना है इसके बारे में भी, उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा होगा साथ में, चीज़ें यहाँ पर सारी की सारी हमें मिलेंगी। ये सामने इधर डोसा पॉइंट है, लेकिन इनका जो गैस काउंटर ना वो भी सामने इस भोजनालय के साथ वाला ही है, तो वहीं से आपको बिलिंग करवानी पड़ेगी। अंदर भी कुर्सियां लगी हुई हैं और ये बाहर भी काफ़ी कुर्सियां इधर लगी हुई हैं, काफ़ी लोग हैं, तो एक बार कुछ खाते हैं और चेक करते हैं कि सब है कैसा। रेट तो काफ़ी सही है इनके यहाँ पे, कढ़ी चावल और ये राजमा चावल, ये कल वाले से ठीक है वैसे ही है, चेक करके देखो। देखो ये तो हमने कल भी ट्राई किए थे, भाई अचार आ गया साथ में, दोबारा ट्राई करता हूँ। ऐसे ना टेस्ट लगभग सेम है दोनों तीनों जगह का, और डोसा पॉइंट का डोसा है। कैसा लगा आपको मैडम, कैसा लगा गुंजन आपको, मस्त जी आपको, सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, भूख इतनी लग रही है ना, कुछ भी खा लेते हैं, ये तो है अच्छा। रात में भी जो यात्रा हो रही है ना, उसमें एक बार जोश देखो भक्तों का, जो लोग आ रहे हैं ना फुल जोश में, और जितने लोग दिन में नहीं थे उससे भी ज़्यादा रात में दिखाई दे रहे हैं अभी, बल्कि दिन में कम थे आज तो, बाकी का तो पता नहीं। और देखो ग्रुप आ रहा है एक सामने से, देखो आप लोग कितना जोश है लोगों में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अर्धकुंवारी मंदिर वाले रास्ते पे
अब कुछ ऐसा है, लोग आराम कर रहे हैं जो कल दर्शन करने जाएंगे। और मंदिर का क्या हाल है वो आपको जस्ट अभी दिखाते हैं, क्योंकि हम दोबारा पहुंच गए हैं अगर बारिश ना आए तो। इस गुफा में भी सब लोग अंदर सोते हैं आराम से, और इधर भी कुछ कल जैसा ही हाल है, मतलब लास्ट वीडियोस में अगर आपने वो देखा होगा तो। ये है अर्धकुंवारी मंदिर, और इसको कभी भी देखो ये हमेशा ऐसा ही दिखता है, इतनी भीड़ दी है। जब मैंने वीडियोस में देखी थी जब भी ऐसी ही थी, जब हम लास्ट यहाँ रुके कल रात जब भी ऐसा ही था, और आज भी ऐसा ही है। बस कल बारिश ने थोड़ा बुरा हाल कर दिया था, और आज जो है मौसम ठीक है तो लोग यहाँ पे पूरा एकदम जम गए हैं, सारे नए लोग हैं। और सामने है टेंपल माता का, ये वाला आप दर्शन कर ही सकते हैं। जय माता दी अर्धकुंवारी मंदिर से, जय माता दी। भाई अभी बजे हुए हैं रात के 1:30 इसमें, और अभी मैं खड़ा हूँ जो अर्धकुंवारी मंदिर है उसके आगे, और अभी हमें करीब 3-3.5 घंटे लगे यहाँ तक वापस आने में। और करीब हम लोग 3 घंटे में हम जो गर्भजून गुफा है उसमें से निकल के आए। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, 3-3.5 घंटे ज़रूर यहाँ तक पहुँचने में लगे, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत कमाल का है, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत अमेजिंग है, कमाल है। समय ज़रूर लगेगा लेकिन करना चाहिए। भाई अभी हम खड़े हैं फ्रिस्किंग पॉइंट के एंड पे, यानी यात्रा का एंड कर रहे हैं। 4:56 हो गए, यानी 5 बज गए हैं, और अब बताने जा रहे हैं आपको RFID कार्ड के बारे में। RFID कार्ड जो है वो यहाँ आके जमा कराना है, और ये कितने काम का है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला जो कार्ड है ना, अब हम यहाँ पे उसको जमा करा देते हैं। और सामने वो पेटी है जिसके अंदर ये हमें वहाँ पे जमा कराना है उस कार्ड में, उस पेटी में। यहाँ मतलब इसको लेके नहीं जा सकते, कहा है कि ऑफेंस है, इसको साथ में लेके जाना। बात करें इसके काम की कि ये कितने काम का है, ये आपको लेना कंपलसरी है, सब यहाँ से ले रहे हैं। वो आपको बस स्टैंड के पास से मिल जाएगा, आपने शुरू में वीडियो में देखा ही होगा। और चेकिंग की बात करें तो इसकी कोई कहीं चेकिंग नहीं हुई कुछ भी, लेकिन सबको गले में डाल के रखना ये कंपलसरी है सर, कंपलसरी है। निकालो, इसका हो गया टाइम अब वापस देने का, ठीक है। तो ये रखना ज़रूरी है। बात यात्रा पर्ची की करें तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन कट रही है, लेकिन काम वो भी कहीं नहीं आई, कहीं पे भी उसकी भी कोई चेकिंग नहीं हुई, बस RFID कार्ड चेक किया गया, जो गले में लटका के रखना ज़रूरी है, यानी सबको लेके रखना है। चेक कब करेंगे, कौन करेंगे, क्यों करेंगे, वो श्राइन बोर्ड वाले या जो भी स्टाफ मेंबर्स होंगे वो देखेंगे। हमारा अभी यहाँ पे इसके बारे में मतलब कोई चेक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, बस हमने पूरी यात्रा के दौरान इसको अपने गले में लटका के रखा। और यात्रा काफ़ी अच्छी रही, वो तो आप वीडियोस में देख ही सकते हैं। RFID कार्ड आप बस स्टैंड से ले सकते हैं, लेना ज़रूरी है। यात्रा पर्ची हो या ना हो, ऑनलाइन भी तो भी आपको ले सकते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से आप इस वाले कार्ड को लेके जा सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसके ऊपर लिखा ही हुआ है कुछ इस तरीके से। तो RFID कार्ड के बारे में अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे उसकी डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय माता दी। ये हम एंड पॉइंट पे इसको जमा करवा रहे हैं। बस इस जगह से हम यात्रा की शुरुआत करते हैं, उसी जगह पे ही इस कार्ड को हमें यहाँ पे दे देना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय माता दी।